अब हम देखेंगे रैशनलाइजेशन, ये भी इंटरेस्टिंग है हमारे पास। डिफेंस मैकेनिज्म, अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व्स री इंटरप्रेटिंग आवर बिहेवियर्स टू मेक इट मोर एक्सेप्टेबल एंड लेस थ्रेटनिंग टू अस। इसमें क्या करते हैं, हम री इंटरप्रिट कर रहे होते हैं हमारे बिहेवियर को टू मेक इट मोर एक्सेप्टेबल एंड लेस थ्रेटनिंग, हम इसको एक्सेप्टेबल बना सकें या कम थ्रेटनिंग बना सकें। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि डिफेंस अगेंस्ट एंग्जाइटी होता है, एंग्जाइटी से बचने के लिए ये डिफेंस हो रहा होता है, तो हर दफा यही चीज होगी, थ्रेटनिंग सिचुएशन या अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचने के लिए ही कर रहे होते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल द पर्सन हु इज फायर्ड फ्रॉम अ जॉब मे रैशनलाइज बाई सेइंग दैट दे रियली डिडंट लाइक द जॉब एनी वे। अच्छा, रैशनलाइजेशन की तरफ आते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है लॉजिक देना। ठीक है, जब हमें कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन आती है तो हम उसकी लॉजिक देना शुरू कर देते हैं बाई सेइंग दैट, अगर आपको जॉब से फारिग कर दिया गया तो आप क्या करेंगे, दैट दे रियली डिडंट लाइक द जॉब एनी वे। यानी कि अगर आपको जॉब से फारिग किया गया तो आप कह दोगे यार मैं इसको पसंद ही नहीं करता था, इस जॉब को, ये जॉब तो मुझे पसंद ही नहीं थी, अच्छा हुआ मुझे निकाल दिया। हम इसको रैशनलाइज कर रहे होते हैं, हम एक्सेप्टेबल बना रहे होते हैं इस सिचुएशन से बचने के लिए। ठीक है जी, हम लॉजिक दे रहे होते हैं। द लव्ड वन हु टर्न्स यू डाउन नाउ अपेयर्स टू हैव मैनी फॉल्ट्स। अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया है मोहब्बत के अंदर या वैसे दोस्ती के अंदर, तो आपको गलतियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आप उसकी गलतियां देखना शुरू कर देते हैं, लॉजिक देना शुरू करते हैं, यार ये बंदा तो है ही ऐसा था। इट इज लेस थ्रेटनिंग टू ब्लेम समवन और समथिंग एल्स फॉर आवर फेलियर्स देन टू ब्लेम आवर सेल्फ। हम दूसरों को उसका ब्लेम देना शुरू कर देते हैं बजाय इसके कि हम खुद को दें। इस रैशनलाइजेशन के अंदर व्हेन अ पर्सन फाइंड्स अ सिचुएशन डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, ये एक और डेफिनेशन है, दे विल मेक अप अ लॉजिकल रीजन व्हाई इट हैपेंड। देखो मैंने बोला ना, रैशनलाइजेशन से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम लॉजिक देना शुरू कर देते हैं जो भी चीज हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन मे एक्सप्लेन अ नेचुरल डिजास्टर एज गॉड्स विल। अगर कोई हमारे साथ हादसा हो जाए तो हम कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी है, हम लॉजिक दे के खुद को बचा लेते हैं या सेटिस्फाई कर लेते हैं या दूसरों को मतलब के दूसरों को रीजन दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल से लेट हो गए तो आप कहते हैं जी लाइट नहीं थी या गाड़ी खराब हो गई थी। ठीक है जी, या मेरा एक्सीडेंट हो गया था, या आप मतलब खुद को मजलूम बता रहे होते हैं एंग्जाइटी से बचने के लिए या अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने के लिए। तो इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं।